हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने से पहले मैं आपको कुछ लॉजिक्स समझा दूं कि एक्चुअली ये जो इरेशनल नंबर्स हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, जो लॉजिक छुपा हुआ है, हमें नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले कॉम्पास की जरूरत है। कॉम्पास को ध्यान रखें कि जो पेंसिल का जो लेंथ है ये हमेशा इस कॉम्पास के लेंथ से छोटा होना चाहिए, ताकि इसको आप जब ऐसे घुमाओ तो ये आसानी से घूमे और ये पेंसिल आपके हैंड पे टच ना करे। देखिए, ये जो राउंड सर्कुलर ट्रिप दिया हुआ है, टिप क्यों दिया हुआ है? टिप ताकि ये इसको ऐसे घुमा सके हम आसानी से। हम क्या करते हैं, पूरे खुद को घुमा देते हैं। हम जब भी कॉम्पास यूज करते हैं हम खुद को घुमा देते हैं, तो ये नहीं करना है। आपको बस क्या करना है, ऐसे टिप को पकड़ के ऐसे घुमाना है। उसके लिए पेंसिल का लेंथ हमेशा छोटा होना जरूरी है, शार्प होना जरूरी है, एक एक्स्ट्रा पेंसिल रखें, स्केल ऑफ कोर्स चाहिए। सबसे पहले मैं इसकी जो लॉजिक है वो आपको समझाता हूं कि अगर मेरे को रूट टू, रूट थ्री या रूट फोर या रूट फाइव अगर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले मेरे को जानना पड़ेगा व्हाट? यस, पाइथागोरस थ्योरम। अगर मुझे पाइथागोरस थ्योरम आता है तो मुझे नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना भी आता है। ठीक है, तो आप घबराओ मत, ये कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। देखो, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम को अगर डिस्कस करूं तो वो क्या है, एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जो कि यहां पे ये एंगल 90 डिग्री है, मान लीजिए ए, ये बी और ये सी है, तो जो ऑपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री होता है, जैसे कि मैं अगर यहां खड़ा हूं, अगर मैं यहां खड़ा हूं और मैं अगर अपने आप के ऑपोजिट को देखूं तो मुझे कौन सा साइड दिखाई देगा, ये वाला साइड दिखाई देगा। तो जो एसी है ये हाइपोटेनियस साइड कहलाता है, जो बीसी है उसको हम बेस बोल सकते हैं, और ये जो ए बी है इसको हम परपेंडिकुलर नाम दे सकते हैं। परपेंडिकुलर के अलावा इसका और एक नाम है, वो है ऑल्टीट्यूड, या फिर इसको हम हाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो इस ट्राइंगल के फैमिली को बिलोंग करता है, राइट? ओके, फैमिली मेंबर्स को तो हम जान गए, अब इसके आगे क्या करना है वो देखते हैं। यहां पे जो पाइथागोरस थ्योरम है ये बोलता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है, ये मैं एच कर देता हूं, ये बी कर देता हूं और मैं इसको पी मान लेता हूं, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। मतलब हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो इक्वल टू होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपको जानना बहुत जरूरी है इस पूरे न्यूमेरिकल को क्रैक करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन जो भी है हमें मिलने वाला है, ये एक्चुअली में हाइपोटेनियस है। आप पूछोगे सर कैसे, ये ऐसे, अगर मैं मान के चलूं कि मेरा जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसका जो बेस है वो 1 यूनिट है और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है। अब इस 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हमें यहां पे सेंटीमीटर, मिलीमीटर या किलोमीटर में है ये लेंथ, ये पता नहीं, इसीलिए हम यहां पे क्या दे देते हैं, यूनिट का नाम दे देते हैं। और यहां पे पूरे सम में, पूरे इस वीडियो पे हम 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर मान के चलेंगे। आप 1 सेंटीमीटर की जगह 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, जिससे वो इमेज क्या होगा, मैग्नीफाई हो जाएगा, रहेगा वही पर मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं कुछ ऐसा लगेगा। अच्छा, अब यहां पे देखो आप कि ये जो हाइपोटेनियस है ये कैसे निकाले, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर वो क्या है, बेस का स्क्वायर है और परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, और इस सम में परपेंडिकुलर 1 यूनिट और बेस 1 यूनिट रखा मैंने। अब मैं अगर यहां बैठा दूं तो 1 का स्क्वायर, यहां पे भी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो गया आपका 2, तो एच स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 2। तो फ्रेंड्स यहां पे एच की वैल्यू क्या होने वाली है, रूट टू।
एज की वैल्यू होने वाली है रूट टू, राइट। अब ये देखिए यहां पे एज की वैल्यू आ गई रूट टू, कब आई, जब मैंने बेस वन रखा और परपेंडिकुलर भी वन ही रखा है, ठीक है। अब मैं अगर रूट थ्री पे जंप करता हूं, अगर मैं अब रूट थ्री पे जंप करता हूं तो मेरे लिए क्या करना होगा, तब मेरे को यहां पे रूट थ्री, अगर सपोज मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता, मैं मान के चलो इसका बेस रूट टू और परपेंडिकुलर को वन ही रखता हूं, तो यहां पे भी परपेंडिकुलर वन यूनिट और बेस है रूट टू, तो अब ये देखिए क्या बन जाएगा, ये हाइपोटेनियस है फिर से, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है और बेस का स्क्वायर, आगे पीछे देखो कोई फर्क पड़ता है नहीं, परपेंडिकुलर वन है और आपका बेस रूट टू का स्क्वायर है, तो ये वन का स्क्वायर वन, ये आपको पता होगा कि स्क्वायर और रूट एक दूसरे के दुश्मन, तो कैंसल टू, तो ये थ्री, तो ये एट स्क्वायर की वैल्यू क्या है, थ्री है, तो मैं अगर स्क्वायर को हटाना चाहूंगा तो दोनों तरफ क्या दे दूंगा, रूट, जिससे ये स्क्वायर रूट कैंसल, तो एज की वैल्यू आ जाएगी रूट थ्री। तो देखा आपने कि कैसे यहाँ पे एज की वैल्यू क्या आती है, रूट थ्री आती है। तो आपने सीखा क्या, आपने ये सीखा कि हाइपोटेनियस ही तो होता है जो हम कर रहे हैं, तो कौन सा नया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो फिर से मुझे रूट फोर की जरूरत है, वैसे देखा जाए तो रूट फोर क्या होता है, टू का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट टू ही होता है, हम नंबर लाइन में अगर डायरेक्टली जीरो वन और टू भी करते हैं तो इस रूट टू की जगह हम लिख सकते हैं रूट फोर, लेकिन क्योंकि हमें स्पाइरल बनाना है, हमें मकड़ी का जाला बनाना है, राइट, हमें ऐसे करके मकड़ी का जाला बनाना है, तो इसके लिए तो मुझे रूट फोर को तो बीच से गायब नहीं कर सकता, तो चलो रूट फोर को करते हैं। तो यहां पे देखिए जब मैं रूट फोर के लिए करूंगा तो मैं यहां पे रूट थ्री रखूंगा, इस बार बेस परपेंडिकुलर देखो अभी भी वन है, तो परपेंडिकुलर वन और बेस रूट थ्री। चलिए आइए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तब मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे फिर से बेस का स्क्वायर, फिर से ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर क्या होगा रूट थ्री, परपेंडिकुलर क्या होगा वन, ये हो जाएगा दुश्मन दुश्मन कैंसल, थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा फोर, तो एच की जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है रूट फोर। तो यहाँ पे देखा आपने घूम फिर के वो हाइपोटेनियस ही है, तो ये एक्चुअली में क्या है, हम हाइपोटेनियस ही करते हैं और उसके बाद जो है फाइनली क्या आ जाता है रूट थ्री और ये आ गया रूट फोर, ठीक है। अब चलिए हम रूट फाइव के लिए करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि चेन कैसे बन रहा है, शुरुआत करी हमने बेस वन परपेंडिकुलर यहां पे वन था, फिर हमने यहां पे जब रूट टू को पा लिया तो हमने बेस बना दिया रूट टू परपेंडिकुलर अभी भी वन, तो मुझे मिल गया रूट थ्री। अब नेक्स्ट जब करूंगा तो अब बन जाएगा रूट थ्री बेस परपेंडिकुलर अभी भी वन, तो देखिए आ गया रूट फोर, तो आ गई वो चेन, बन रहा है वो स्पाइरल, यस बन रहा है। अब देखो मैं अगर दूसरे सीट में करता हूं रूट फाइव, तो रूट फाइव के लिए मैं क्या करूंगा, फिर ये देखिए यहां पे रूट फोर कर दूंगा और यहां पे वन, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट फोर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहां भी वन है, तो ये हो जाएगा फोर प्लस वन फाइव, तो एच का जो वैल्यू है वो क्या आएगा रूट फाइव। फिर आप जब नेक्स्ट करोगे तो आपका बेस क्या बन जाएगा, अब रूट सिक्स के लिए आपका बेस क्या बन जाएगा, जी मैं ये स्पाइरल के लिए कर रहा हूं, मैं आगे के वीडियोस में आपको और भी कुछ दिखाऊंगा, आपको मैं यहां सिर्फ स्पाइरल्स के लिए बता रहा हूं हाउ टू क्रिएट दैट स्पाइरल। यहां पे देखो फिर से आपको समझ आ गया होगा कि ये रूट फाइव तो परपेंडिकुलर फिर से वन, तो ये देखिए ये बन गया आपका रूट फाइव का स्क्वायर और ये वन का स्क्वायर, तो ये आपका फाइव, ये आपका वन सिक्स, तो एच की वैल्यू रूट सिक्स, तो ये कारवां चलता रहेगा, तो ये कभी भी रुकने वाला नहीं है, तो स्पाइरल बनते जाएगा। तो चलिए आइए दोस्तों अब इसी चीज को उतारते हैं नंबर लाइन पे कि कैसे करें, सर आपने समझा तो दिया बता तो दिया कि मैंने क्या बताया, परपेंडिकुलर देखिए हम हर जगह वन ही रखे हैं, हमारा बस बेस जो है वो चेंज होते आ रहा है। अब हम इसके जो नेक्स्ट वीडियो मतलब जो नेक्स्ट पैटर्न है वहां पे ये देखेंगे कि कैसे इसको हम नंबर लाइन पे उतारेंगे।
ठीक है? ओके, तो आप जस्ट वेट करो, मैं अभी आपको नंबर लाइन कैसे करते हैं वो बताता हूँ। दिल थाम के बैठना, लॉजिक समझ आ गया होगा।